तख्तगढ़ व्यापार संघ कार्यकारिणी की आवश्यक बैठक में अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के पहले दिन यानी कि 21 जनवरी को नगर में निकलने वाली शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा और सजावट का निर्णय लिया गया है। साथ ही 22 जनवरी को मैन मार्केट हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना और प्रसाद वितरण के बाद शोभा यात्रा पंचमुखी हनुमान जी चौराहे पर पहुंचेगी। वहीं कार्यक्रम को लेकर 22 जनवरी को तखतगढ़ के बाजार पूरी तरीके से बंद रहेंगे। इस दौरान व्यापारी अध्यक्ष ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर व्यापारियों और नगरवासी में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि नगर को पूरा केसरिया रंग से सजाया गया है, मंदिरों पर रंग बिरंगी रोशनी लगाई जा रही है। सुमेरपुर से अरविंद कुमार जोशी की रिपोर्ट। रामलला की जो भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो रही है पूरे देश में, उसको लेकर बहुत ही उत्साह है। उसको लेकर हमारे तखतगढ़ व्यापार संघ की एक आवश्यक बैठक बुलाई गई आज। इसमें ये समस्त कार्यकारिणी द्वारा निर्णय लिया गया कि 21 तारीख को जो कलश यात्रा और जुलूस निकाला जाएगा, उसमें सभी लोग पुष्प वर्षा के द्वारा स्वागत करेंगे और उनका अभिनंदन करेंगे। और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन, उस दिन हम लोग यहाँ मुख्य बाजार में हनुमान जी मंदिर के पास पूजा अर्चना करके कार्यक्रम स्थल की ओर जाएंगे गाजीबाजी के साथ। इसी दौरान प्रसाद वगैरह का वितरण होगा और धूमधाम से कार्यक्रम मनाया जाएगा और पूरा मार्केट बंद रखने का निर्णय लिया गया।